अपने जवानों का एक मैसेज। ये हमारा अकीदा है ना, इमाम हुसैन बख्शवा देंगे, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हर हुसैनी बख्शा जाएगा। इसमें तो दो राय है ही नहीं, बख्शिश में किसी की हो, अली डिसाइडेड है, ये बख्शे जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमाम हुसैन को हम लोगों की तरफ से इजाजत है वो हमसे कुछ पूछ सके, या हमने इजाजत नहीं दी है। भाई सिक्योरिटी रीजन की वजह से कभी कभी बॉडी तलाश ली जाती है ना, बड़े बड़े मिनिस्टर के लिए आती है, हम क्या है भाई, सिक्योरिटी रीजन है मालूम है साहब, मिनिस्टर को भी चेक कर लिया, कहा साहब सिक्योरिटी रीजन है, बड़ा मंत्री आ रहा उससे भी ले रहे हैं, एमएलए आ रहा उसका भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हालांकि वो एमएलए सिक्योरिटी रीजन है ना, वहां बुरा किसी को नहीं मानना चाहिए। कयामत के दिन मेरे हुसैन ने वादा किया है, मुकालमा सुन लीजिए, यही पर एंड मजलिस का, हुसैन ने वादा किया कि तुम आओ मीजान पे हम मिलेंगे, ये है ना वादा, मीजान पे हम मिलेंगे, और अगर तुम्हारे आमाल में कमी होगी तो हम अपने आमाल देंगे, ये भी वादा हुसैन का है ना, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब मालूम आ गया इमाम हुसैन महशर है, समझ लीजिए अभी महशर है, महशर का मैदान है, इमाम हुसैन हस्बे वादा मीजान के करीब खड़े, जहां माल तोले जा रहे हैं, फातिमा के लाल मौजूद है, मौलाना अथर अब्बास गए, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम अथर अब्बास, खैरियत है, हुसैन पूछ रहे, मैंने कहा मौला आपने पहचान लिया, लोग तुम्हें नहीं पहचानेंगे, हम तो फिर किसको पहचानेंगे, सबसे बड़ा आलम तुम उठाते थे, मतलब सबसे बड़ा तबरुक तुम बांटते थे, सबसे बड़ी नियाज महल्ले में तुम्हारी थी, कैसे नहीं पहचानेंगे अथर अब्बास, शुक्रिया मौला। और ये कह के हमने जन्नत की तरफ देखा, कंफर्म है ना जन्नत, जन्नत की तरफ देखा मैंने, तो मौला ने कहा उधर क्या देख रहे हो, वो तो तुम्हारी है ही है, पहले मिजान तो देख लो, यहां से तो गुजर रही है ना, वो तो तुम्हारे, तुम उसके लिए परेशान ना हो, मैं हूं ना जन्नत का सरदार। अरे मौला ऐसे ही मैं देख रहा था उसको, अच्छा जी मौला बताइए मैं क्या करूं मिजान में, करिए गुनाह तो इधर रख दिए गए हैं, उसमें तो किसी का निकालना नहीं, सब है रेडी है, सब रख दिया गया, तुम अपने अमाल रख दो इस पर, बस नमाज निकालो। माला शर्मिंदा है, क्या हुआ, क्या घबराओ नहीं, थोड़ा से भी निकालो ना, हम है ना, हम मिला देंगे, अपने अमाल देंगे, अपने खुदा से कहा कि मैं अपने अमाल दूंगा इन्हें, कमी होगी तो हम देंगे, है ना, निकालो। नहीं पढ़ा हो तब ना, अच्छा बात विचार पर इधर उधर सर खुजा रहे, अरे काहे घबरा रहे, रखो नमाज पढ़ी है ना, रखो। नहीं हुजूर क्या बताए, सॉरी बहुत शर्मिंदा है, बस क्या है, अरे क्या बताए, मौली साहब भी क्या बोले, अभी परेशानी हो रही मौली साहब के चक्कर में, क्या मौली साहब के चक्कर में आपको परेशानी हो रही है तरबा साहब, अरे वही कहते थे कि नमाज की कजा है मगर मजलिस की कजा नहीं है, हुजूर मैंने कभी मजलिस कजा नहीं की, नमाज खूब कजा की, क्या मेंबर से कहते थे नमाज कजा है, नमाज फिर दोबारा पढ़ लेंगे, अजान होती थी हुजूर उठने नहीं देते थे, तकरीर करते थे वो, और ये कह देते थे नमाज की कजा है मजलिस की नहीं है, लिहाजा हुजूर नमाजें खूब कजा की, अच्छा फिर भी सोचो कुछ नहीं, अरे रुकिए हुजूर, हुजूर दो दो रकत नमाज ईद के दिन पढ़ी थी, तो मौला ने मुस्कुरा कर कहा भाई यहां वाजिबात का सवाल हो रहा है, तो सुन्नत है दोस्त, जब न भी किए होते तो चलता, मुझे निकाला भी सर वर्ष खुजा के, दो रकत तो ईद वाली और दो रकत बकरीद वाली, दो रकत नमाज हो भी, अच्छा नमाज नहीं पढ़ी सॉरी, अच्छा चलो जाने तो कोई बात नहीं, रोजा रखा होगा तुमने वही रखो, रोजे रखो,
हुजूर डायबिटीज का मरीज था ना, डॉक्टर ने कहा था हर दो घंटे में कुछ डालो ना बीमार पड़ जाओगे, तो हुजूर रोजा रखने का मौका ही नहीं मिला, खाली डायबिटीज नहीं हो। अच्छा रोजा भी नहीं रखा, बस मेरे साथ चलिए आप। अच्छा तो फिर वाजिबात में क्या रहा, हज किया होगा तुमने? कहने हुजूर हज मत पूछिए, इतना महंगा हो गया था हुजूर, कई लाख का, हमें इस्तेआत ही नहीं थी हुजूर, इतना पैसे ही नहीं हुआ कि हज तक जाएं। अच्छा हज भी नहीं किया आपने? ना नहीं। अच्छा खुम्स निकाला होगा, वही रख दो। कहने क्या हुजूर, फिर से बोलिए तो ये पहली बार सुन रहा हूं, पहली बार सुन रहा हूं ये खुम्स है क्या? मुझे तो किसी ने ऐसा नहीं बताया। करे लो खुम्स नहीं मालूम तुम्हें? मेरा हक, हम अइम्मा का हक, वक्त के इमाम का हक अदा किया तुमने, हुसैनी हक दिया, मेहदी का हक दिया, इमाम बाकर का हक दिया, इमाम मूसा कादिम का हक दिया, मेरे बाबा का हक दिया। क्या हुजूर ये खुम्स है क्या? साल भर खर्च करने के बाद जो बच जाए, जिसको तुम खा नहीं सको, वेस्टेड मनी बच गया, उसका पांचवा हिस्सा। हुजूर हमको तो ये नहीं बताया कि, हमें ये बताया गया जो बच जाए उसको पांच साल के लिए एफडी कर दो, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट कर दो, हमने हुजूर फिक्स डिपॉजिट कर दिया उसको। क्या खुम्स नहीं निकाल? कहने हुजूर नहीं खुम्स नहीं, हम लोग के मेंबर पे ये सब बातें नहीं होती थी हुजूर। अच्छा नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, जकात नहीं, खुम्स नहीं। अच्छा ये बताओ फिर कर क्या रहे थे, ये बताओ इतने दिन तुमने किया क्या? वो मातम किया आपका है ना, आपका मातम किया हुजूर? क्या हुसैन नहीं पूछेंगे हमारा मातम क्यों, यजीद का क्यों नहीं? बहुत देखिए बहुत नाजुक मरहले से गुजर रहा हूं, इतना सख्त कोई जाकिर नहीं बोलता, मैं सिर्फ हिदायत के लिए बोला, मेरा मातम क्यों, यजीद का क्यों नहीं? मेरे पर क्यों रोए तुम, रीजन बताओ रोने का। कहा हुजूर आपने दीन बचाया, शरीयत बचाई, नमाज बचाई। कौन सी शरीयत बचाई? तुम्हारे घर में है? कहां है आप, कहां है, आवाज खामोश क्यों है? नमाज बचाई, वेयर इज नमाज, कहां है तुम्हारे पास नमाज? कौन सी नमाज बचाई जिसके लिए तुम रोए? हज बचाया, कहां है वो हज? खुम्स बचाया, कहां है वो खुम्स? दीन बचाया, कहां है वो दीन? है तुम्हारे घर में? हुसैन को हक है ना पूछने का या नहीं है? ये अथॉरिटी आपने नहीं दिया, आप है कौन? मालिके महशर है वो, मालिके जन्नत है वो, हम गुलाम है उसके, वो हमें सुनना है उसकी, वो हमसे ज्यादा तैयार है आपको ले जाने के लिए। लेकिन खुद इतने फालिज ज्यादा बन ना जाओ कि रास्ता ना चल सको, बेदीनी का इतना फालिज ना गिरा लो जिस्म पर कि जिस मफलूज हो जाए जन्नत तक जाने के लायक ना रह जाए। एक सलवार पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, बेदीनी के का इतना फालिज जिस पर न गिरा लो कि पूरी बॉडी तुम्हारी मफलूज हो जाए कि उठ के जन्नत तक जाने की सलाहियत ना रह जाए क्योंकि तुम फालिज ज़दा हो। हुसैन ने पूछा चाहिए बताओ हम में और यजीद में फर्क क्या था, इतने ही बता दो हम तुमको पास कर देंगे। चलो एक सवाल का जवाब दे दो जन्नत में चले जाना, यजीद में और हम में क्या फर्क था? का हुजूर क्या आपका और यजीद से मुकाबला? यजीद बेदीन, आप दीनदार। यजीद बद किरदार, आप साहिब किरदार। यजीद चाहता था सब नमाजी हो जाएं,
आप चाहते थे सब नमाजी हो जाएं, यदि चाहता था सब बेदीन हो जाएं, आप चाहते थे सब दीदार हो जाएं, यजीद चाहता था काबा मिट जाए, आप चाहते थे सब हज को जाए, है ना? ठीक है, पूछ लिया उसने ने कहा अच्छा, इसका मतलब बेनमाजी यजीदी प्रोडक्ट, बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट, बदकिरदारी यजीदी प्रोडक्ट, यजीदी प्रोडक्ट है ना, यजीदी प्रोडक्ट, बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट, झूठ यजीदी प्रोडक्ट, नमाजी हुसैनी प्रोडक्ट, रोजेदार होना ये हुसैनी प्रोडक्ट, दीदार होना हुसैनी प्रोडक्ट। इसका मतलब कर्बला में दो कंपनियां थी, एक का प्रोडक्शन क्या था, नमाजी रोजेदार हाजी जकात देने वाला सच्चा, दूसरे का प्रोडक्ट क्या था, शराबी जुआड़ी बेईमानी बेदीनी, यही है ना। हुसैन ने पूछा अच्छा आप बताओ, बेनमाजी नमाज ना पढ़े यह मैं चाहता था या यजीद? कहा वो यजीद चाहता था। अच्छा तो यजीद की तुमने बात मान ली है, बदकिरदारी ये किसका प्रोडक्ट था, कहा यजीद का, क्या तुमने अपना लिया है? बेदीनी यजीदी प्रोडक्ट तुमने अपना लिया, रोजा नहीं रखा यजीद का काम किया, जकात ना दिया यजीद का काम किया, खुमसा ना कहला यजीद का काम किया, नमाज नहीं पढ़ी यजीद का काम किया, कारखाना किसका चला रहे हैं आप है? कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन आखिर में एक जुमला कहें, सारी जिंदगी यजीदी फैक्ट्रियों में काम करने वालों हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो, सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, सारी जिंदगी यजीदी फैक्ट्रियों में काम करने वालों हुसैनी दफ्तर से मजदूरी मांग रहे हो, शर्म नहीं आती? कोई ऐसा काम नहीं किया जी, हम आज ज्यारत पढ़ते हैं फातिमा के लाल की, आप इत्मीनान रखिए आपकी वजह से आजादारी जिंदा नहीं है, ऐसा कभी मत सोचिएगा, ये भूल है आपकी कि आजादारी आपकी वजह से जिंदा है, बल्कि आप आजादारी की वजह से जिंदा है।